और बात करेंगे मौसम की, जहां जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फबारी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुलगाम, बडगाम, गांधरबल और श्रीनगर में बर्फबारी हुई है, जबकि जम्मू में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। श्रीनगर में हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं अभी भी निलंबित हैं। उसके ऊपर बहुत कमियां हैं, साइनेज बोर्ड लगे नहीं हैं, कई जगह क्रॉसिंग पे सिग्नल्स अलर्ट करने वाले लाइट लगते हैं सोलर, वो लगे हुए नहीं हैं। जगह जगह पर ये ब्लैक स्पॉट है, एक्सीडेंटल स्पॉट है, कॉशस रहिए, ये नहीं लगे हुए हैं। रोड के कामों में कुछ गलतियां हैं, कुछ जगह अंडरपास बनाना आवश्यक है, केवल हम ब्लैक स्पॉट्स पर रिपेयर करते हैं। पर अभी हम लोग रोड सेफ्टी ऑडिट हर रोड का कर रहे हैं। क्या होता है कि कोई एजेंसी काम करने वाली, उसके ऊपर एक काउंटर चेक करने वाली दूसरी एजेंसी चाहिए, तो हमारे डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनको काउंटर चेक करने वाली अगर ये रोड सेफ्टी ऑडिट होगी तो उस पर निश्चित रूप से अच्छे परिणाम निकलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए ये रोड पर ही चल के देख लेते हैं। हाँ, चलिए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके सामने। गडकरी जी, रोड सेफ्टी की हम बात करते हैं, उसमें एक बड़ा फैक्टर है ट्रक्स का, क्योंकि ट्रक्स के एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं और उनकी वजह से भी होते हैं, और ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है वो बढ़ती जा रही है। नीति आयोग तो कह रहा है 2050 तक 4 गुना हो जाएगी, तो फिर वो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि हम लोग 27 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, तो अभी जैसे पूना से नागपुर आने के लिए 24 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे में होगा। अभी नागपुर से मुंबई, ये भी 6 घंटे में होगा। तो नेचुरली क्या होगा कि इसके कारण हमारे देश में अब ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा। अब ट्रांसपोर्ट में भी हम क्या कर रहे हैं कि ये LNG CNG फ्यूल ला रहे हैं, जो डीजल से आधी कॉस्ट में होता है, फिर इलेक्ट्रिक आएगी, ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट रेलवे की तुलना में एकदम कम हो जाएगी। और जैसे एक ट्रक अगर दिल्ली से मुंबई एक महीने में अगर 5 ट्रिप पे मार रहा है, तो हाईवे बनने के बाद वो 9 ट्रिप पे मारेगा, तो नेचुरली उसके कारण जो वायबिलिटी आएगी उसके कारण नेचुरली पोटेंशियल तो है, तो ट्रक की संख्या बढ़ेगी, नए रोजगार निर्माण होंगे, पर प्रदूषण कम हो, इंडिजिनस फ्यूल का यूज़ हो, इसके लिए हमको जोर देना पड़ेगा। और उनसे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी वजह सिर्फ ट्रक ही नहीं होता, उसके ट्रक ड्राइवर भी होता है। देखिए, ड्राइविंग ड्राइवर, ट्रक ओनर और ट्रक वाला, ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं। अभी हमने रोड बनाते समय अच्छे बना दिए, स्पीड बढ़ेगी, पर स्पीड बढ़ने के बाद रूल्स ऑफ द रोड जो बना है, अभी देखो ये हाईवे में एक्सिस है, इधर का उधर नहीं आ सकता, उधर का इधर नहीं आ सकता, और इसलिए स्वाभाविक रूप से स्पीड ज़्यादा होने के बाद अगर यहाँ कोई कुत्ता या कोई बीच में आ गया तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। अब देखो ये कितनी सुंदर हमने रोड को कवर करने के लिए ये जो बनाया हुआ है, इसमें ऊपर से जा रहा है ट्रैफिक, तो क्रॉस करने की संभावना नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से हमने इन सब बातों को ध्यान में लेकर इसका जिस प्रकार से काम किया है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक्सीडेंट न हो, इसके लिए हम पूरी चिंता कर रहे हैं, पर आखिरी में हमको ट्रक ड्राइवर का एक ज़रूर सहयोग मिलेगा कि जो रूल्स है, जैसे लेन डिसिप्लिन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक लेन में चलना चाहिए। अब उसके बारे में हमने कानून किया, कभी कभी गलत लेन में चले जाते हैं, उसके कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। तो ऐसा क्यों ना करें, मतलब मेरे दिमाग में आया कि यहाँ कहीं ट्रक ड्राइवर हो, उनसे बात ही करके देख लेते हैं, मंत्री जी से ट्रक ड्राइवर बात करेंगे तो देखते हैं उनका क्या जरूर। अरे किसी ढाबे पे देखते, मैंने यहाँ पर भी नागपुर में भी ढाबे पे रुकते होंगे ट्रक ड्राइवर। हाँ, बहुत ढाबे होते हैं, मैं भी ढाबे पे खाना खाता हूँ। अरे तो चलिए, आज तो फिर ढाबे पे ही खाना हो जाए।
तो गडकरी जी, हम मौजूद अब ढाबे पे, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों से अगर बात करनी है तो ढाबे से बढ़िया जगह कोई है नहीं। मंत्री जी आपके सामने, अब आपकी बात सीधा इनसे, आप तक इनकी बात पहुंचे और इनकी बात यानी सरकार की बात आप तक पहुंचे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम हरदीप सिंह है जी। कहाँ से हो? मैं प्रॉपर नागपुर से। अच्छा, और आपका ट्रक कहाँ से कहाँ तक चलाते हो? हम लोग को ऑल इंडिया परमिट हुआ जब से, तो पूरा इंडिया ही घूमते हैं, यहाँ से कलकत्ता, मतलब जैसा लोड मिल जाए वैसे चले जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या समस्या आती है आपको जाते समय? समस्या सर ऐसा है कि बॉर्डर की समस्या है। अब आपने तो बोल दिया कि बॉर्डर उठना चाहिए, पर छत्तीसगढ़ में यहाँ से निकलते 150 किलोमीटर पर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में हर गाड़ी वाले का 10 लीटर आने में, 10 लीटर जाने में डीजल वेस्ट होता है, और जाम 4-5 घंटे आने में, 4-5 घंटे जाने में, और पैसा तो की परेशानी थी। अब जगह जगह आरटीओ खड़े होने, जगह जगह आरटीओ, हर पैसा लगता है, मतलब खड़े हो रहे, एंट्री ले रहे। पहले उन्होंने चालू किया, फिर मैकेनिकल लगेगा, मैकेनिकल के बाद फिर एक्स्ट्रा पैसे लेने लगे वो लोग, फिर हर स्टेट का, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का आरटीओ रोड के ऊपर 24 घंटे रहते हैं। तो ये इन सब समस्याओं की वजह से क्या मतलब लेट हो जाते हैं? हाँ, लेट हो जाते हैं सर। लेट होते हैं, एक्सीडेंट होते ना, वही तो बात है। इसलिए अभी आरटीओ को कोई बैरियर लगा के थोड़ी करते नहीं है, तो उनको वेट करना पड़ता है, तो दिन में नींद आती नहीं, जब रात में गाड़ी चलाते हैं तो नींद आती है, उस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। अब कोई प्रॉपर बैरिकेड लगा के खड़ा होता नहीं आरटीओ, अब उन्होंने 10-10, 12-12 मतलब लोकल बाउंसर रखे होते हैं। एक बात तो जरूरी है कि हमारा जो आरटीओ विभाग होता है वो राज्य सरकार के अधीन होता है, और ये बात सच है कि अब हमने नेशनल परमिट कर दिया, पहले परमिट मिलने के भी अड़चने जाती थी, काफ़ी कानून बना है, पर बॉर्डर पर जाकर ट्रक वालों को रोकना और उनसे रिश्वत मांगना, ये तकरारें बड़े प्रमाण पर हैं। जी सर, बहुत बड़ी, और इसलिए राज्य सरकार। तो सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से न्यूज 18 की आप खास बातचीत देख रहे थे। बहरहाल अब वापस खबरों का रुख करेंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम की, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फबारी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुलगाम, बडगाम, गांधरबल और श्रीनगर में बर्फबारी हुई है, जबकि जम्मू में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। श्रीनगर में हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं अभी भी निलंबित हैं, और मौसम का हाल बताने के लिए हमारे सहयोगी मुदस्सिर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, नेशनल हाईवेज पर इस बर्फबारी का और मौसम का खासा असर देखने को मिला है। बीते कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से बर्फबारी हो रही थी और आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना अब करना पड़ रहा है। मुदस्सिर, बिल्कुल जासमीन, मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो अब भी ट्रैफिक के लिए बंद है। हालांकि जिस तरह से प्रशासन की ये कोशिश रही थी कि बर्फ को जल्द से जल्द हटाया जाए और जो आवाजाही है ट्रैफिक की तो उसको बहाल कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रात देर गए तक बर्फबारी का जो सिलसिला था वो जारी था, और जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसमें मजीद गिरावट आई है। हालांकि जब स्नोफॉल हुई थी तो 0 से आगे जो है ऊपर तापमान चला गया था, लेकिन जो ही बर्फबारी बंद होगी तो फिर 0 से नीचे चला गया। और इस बार की, इस रात की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सर्दतरीन रात काजीगुड़ में थी, जो -4.2 यानी कि -4.2 डिग्री सेल्सियस यहां पर जो था मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, और इसके बाद श्रीनगर में जो है -4.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। तो उसका मतलब ये हुआ कि कड़ाके की जो सर्दी है वो अब भी जारी है और उसमें कोई भी फर्क नहीं आया है। और हम इस वक्त जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रकों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, उसमें इजाफा होता जा रहा है, और किस तरह से जो माल बरदार गाड़ियां हैं वो रुकी पड़ी है, और सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना इन ट्रक ड्राइवरों को करना पड़ता है। और इनका कहना है कि जो ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होती है, चाहे मौसम की वजह से या चट्टाने खिसकने की वजह से, तो सबसे पहले इन्हीं ट्रक ड्राइवरों को रोका जाता है और इसका खमियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ता है। तो कल सुबह से अगर हम बात करेंगे तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद है, और जिसकी वजह से जो यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स या फिर पैसेंजर्स फंसे हुए हैं उनको खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब जो यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं तो टूरिस्ट भी होटल्स में अभी रुके पड़े हैं, जिनको जाना था यहाँ से अपने घरों की ओर या जम्मू की ओर, तो वो भी अभी जो है होटल्स नहीं रुके हुए। और जो यहाँ पर कुछ ड्राइवर्स हैं दरमंदा पड़े हुए हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या मुश्किलात है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मक्खन जैन नाम है जी, तहसील बसोली, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से। हाँ, कठुआ से आप है, तो क्या करने आए थे आप? यहाँ गाड़ी लेके आए थे माल लेके जी, तो माल खाली हो गया तो उसके बाद फंसे हुए हैं बर्फ में। अच्छा,
दो तीन दिन से, ना तो कोई पानी की सुविधा है, कोई खाने की आने जाना कुछ नहीं है, ना कोई बाथरूम है, कुछ कोई सुविधा है ही नहीं है। तो प्रशासन की तरफ से कोई आया आपके पास और कोई सुविधा आया? किसी ने नहीं पूछा है, कोई जी रहा है मर रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी के पास खाना पीना है, कोई रात का सोया है कि उठा के नहीं उठा है, कि अंधी मर गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए अपना नाम और कहाँ से आप? मेरा सर नाम राजू है, मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मेरा ये गाड़ी खड़ी है, तो मैं आटा मिल की गाड़ी चलाता हूँ। हम कठुआ से आटा लेकर आए थे पंपरा में, तो इधर कल सुबह अनलोड किया था, तो जब मैं इधर पहुंचा तो बर्फ जा रही थी इधर, तो रास्ता भी बंद है अभी। तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई आया आपके पास? अभी कोई नहीं आया हमारे पास में जी। एक तो इधर ना तो कोई पानी की तो बहुत ज्यादा हमें इधर कोई बाथरूम नहीं है, बहुत मुश्किल है इधर बाथरूम जाने को भी, इधर पास पास में गार है, इधर पेशाब भी नहीं कर सकते हम। तो जासमीन आप देख सकते हैं कि कितनी असुविधाएं हो रही है जो यहाँ पर स्ट्रैंडेड ड्राइवर्स है, तो उनके लिए काफी मुश्किलात का सामान लेकर आई है ये बर्फ। हालांकि आप खूबसूरत नजारे भी देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फबारी जो है इसे किस तरह का माहौल पैदा किया हुआ है, और बिल्कुल मुदस्सिर नजारा बेहद खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है मुदस्सिर। लेकिन हम ट्रक ड्राइवरों की जो ये मुसीबतें हैं वो भी सुन पा रहे हैं कि देर रात से यहाँ पर ये लोग फंसे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से अभी तक इनके पास कोई नहीं पहुंचा है। इनकी तो परेशानी है ही, लेकिन एक अहम सवाल कि ये लोग दूर दराज इलाकों से माल लेकर आए हैं जिन्हें इन्हें अपने गंतव्य तक अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। जैसे अभी एक ट्रक ड्राइवर ने कहा कि वो आटा लेकर आए हैं, वो भी एक मूलभूत जरूरत है लोगों की, वो भी समय पर पहुंचना चाहिए। अगर वो समय पर नहीं पहुंचता है तो वहां पर भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि ये जो मौसम है खुशनुमा तो है, लेकिन परेशानियों का सबब फिलहाल बना हुआ है लोगों के लिए। बिल्कुल जासमीन, अगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो ये लाइफलाइन कहलाता है, न सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि लद्दाख खता जो है उसके लिए भी लाइफलाइन कहलाता है, क्योंकि ये वाहिद एक सरफेस ट्रांसपोर्ट जरिया है घाटी के लिए। और जो एसेंशियल सप्लाईज है यकीनी तौर पर वो भी हिट होती है, जो विंटर्स की अगर हम बात करेंगे, जो ही बर्फबारी होती है या जो रामबन सेक्टर में जिस तरह से बारिशें होती है फिर चट्टाने खिसकती है, तो उसकी वजह से जो ये आवाजाही ट्रैफिक की होती है उसमें यकीनी तौर पर खलल पैदा होता है, और सबसे ज्यादा जो एसेंशियल वादी के लिए वो हिट हो जाती है। जिस तरह से आपने कहा कि ये एक अहम जरिया है यहाँ पर एसेंशियल सप्लाईज पहुंचाने का, तो यकीनी तौर पर वो हिट हो जाती है, और इसके लिए प्रशासन भी यही इसी कोशिश में लगा रहता है कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो एलएमवीज को दी जाए, क्योंकि एलएमवीज जो है छोटी गाड़ियां जो मुसाफिर बरदार गाड़ियां होती है पैसेंजर गाड़ियां, तो उसके बाद इनको तरजीह दी जाती है, प्रायोरिटीज इनको दी जाती है ताकि जो ये एसेंशियल सप्लाईज है वो हिट ना हो। जिस तरह से खाने पीने की, चावल की या फिर रसोई गैस की अगर हम बात करेंगे तो वो सप्लाई भी यहाँ हिट हो जाती है। अगर ज्यादा देर तक ये बंद रहा ये हाईवे तो यकीनी तौर पर बाजार में जो है मार्केट्स में जो है एक अफरा तफरी पैदा हो जाती है। लेकिन दूसरी जानिब जो सरकार है या फिर प्रशासन है उन्होंने पहले ही इस तरह की तैयारियां कर रखी होती है, जो एसेंशियल सप्लाईज है उनको डंप कर रखा होता है विंटर्स के लिए, तो इस वजह से ज्यादा परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती है। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर ज्यादा दिनों तक ये हाईवे बंद रहता है तो यकीनी तौर पर एक गैप पैदा हो जाता है, और उसकी वजह से जो एसेंशियल सप्लाईज है वो भी काफी हिट हो जाती है। और बिल्कुल मुदस्सिर, इकोनॉमिक डिसबैलेंस तो जरूर बनता ही है, क्योंकि लंबे समय से ये ट्रक ऑपरेटर्स यहाँ पर फंसे हुए हैं, और बड़ी बात यह है कि इन्हें भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ना वॉशरूम्स मिल रहे हैं, ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। बहरहाल मुदस्सिर आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो नेशनल हाईवे का हाल हम आपको बता रहे थे, जहां पर अभी भी बर्फबारी की वजह से यातायात बाधित है। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी मौसम हाल हम आपको बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां सरकार ने सर्कुलर जारी किया है, सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं, रोशनी भूमि सहित राज्य से अतिक्रमण हटाने का निर्देश उपायुक्तों को दिया गया है। 31 जनवरी तक का वक्त दिया गया है जब ये अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, सरकार ने सर्कुलर जारी किया है, सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं, रोशनी भूमि के साथ साथ राज्य से अतिक्रमण हटाया जाए, इसको लेकर उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं और 31 जनवरी तक का वक्त दिया गया है।
और हमारे सहयोगी शब्बीर और मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, जरा तफसील से बताइए कि जो सर्कुलर जारी किया है इसमें क्या कुछ अहम है। जासमीन, ये जो सर्कुलर है इसमें जरूरी चीजें ये है कि 31 जनवरी तक जो भी ये सरकारी जमीनें हैं इनसे कब्जा हटाया जाएगा, और उसके लिए एक मैकेनिज्म डिवाइस किया गया है। जो डीसीज हैं वो रिपोर्ट करेंगे, बाकायदा एडीसीज इसके साथ रहेंगे, बाकायदा रिपोर्ट करेंगे डेली बेसिस पे डिविजनल कमिश्नर को कि कितनी सरकारी जमीन से उन्होंने कब्जा हटाया है। मतलब साफ कि सरकार ने बिल्कुल मन बना लिया है कि रोशनी एक्ट के तहत जो जमीनें दी गई थी और जो बाकी सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जा है वो हटाया जाएगा। रोशनी एक्ट का थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, 25,000 करोड़ रुपए का ये एक स्कैंडल आया। एक्ट बना था 2001 में, स्टेट लेजिस्लेचर ने एक कानून पास किया कि जिन भी लोगों के पास सरकारी जमीनें हैं उनको वो रेगुलराइज करेंगे, उनको पैसे भरने पड़ेंगे। कहा यह गया कि ये जो पैसे आएंगे इससे फिर होगा ये कि बिजली प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, यानी अंधेरा दूर किया जाएगा यहाँ, क्योंकि पैसे नहीं थे बिजली प्रोजेक्ट की, पोटेंशियल है। लेकिन हुआ इसमें ये कि जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बहुत घपले इसमें किए। उसमें हुआ ये कि कई जगह पे तो सरकारी जमीनों को उनके दाम कम बताए गए, मार्केट वैल्यू उनका पहले कम किया गया और फिर दिया गया। इस तरह ये बड़े कुछ बड़े लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी बड़े लैंड के जो बड़ी तादाद में सरकारी अराजी दी गई, सरकारी जमीन दी गई, उसका इसका फिर जब कोर्ट में मामला गया, फिर इसमें कुछ लिटिगेशन हुई, कोर्ट में मामला गया तो एक डबल बेंच ने, हाई कोर्ट ने इसको स्क्रैप कर दिया। जो रोशनी जो पूरा एक्ट था इसको स्क्रैप कर दिया, और ये कहा गया, डिवीजन बेंच ने कहा कि इन सारी जमीनों का ये जो आप इनका कब्जा हटाइए और इसको एक तरीके से ये जो केस सीबीआई को दिया गया कि ये एक बड़ा घोटाला है, इस पे आप तहकीकात कर दीजिए। उसके बाद सरकार ने इस पे पैरवी की, लेकिन एक बीच में सरकार ने यू टर्न ले लिया। इस पे सरकार ने यू टर्न ये लिया कि वो सरकार खुद एक अपील लेके कोर्ट में गई कि आप हमें एक चीज इसमें दे दीजिए कि जो इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास छोटी तादाद में जमीन है, छोटी मिकदार में, सपोज किसी के पास 4 मरले हैं 5 मरले हैं जो जिसपे उन्होंने घर बनाए हैं। सरकार ने कोर्ट से ये कहा कि हमें आप एक राहत दे दीजिए, वो ये कि ये जो गरीब लोग हैं जिनके पास थोड़ी सी जमीन है उनको हम एक स्कीम के तहत ये जमीन दे सकें, उनको हटाए नहीं। तो एक ने उसमें सरकार ने ये यू टर्न ले लिया। बाद में उसमें काफी सारे लोगों ने अपील की कई सारी बेसिस पे, कि कुछ ने ये कहा कि हमने इसका बाकायदा पैसा भरा है, सरकार ने खुद एक्ट बनाया था उसको, हमने जो पैसा भरा है उसका क्या होगा, और फिर अगर एक एक्ट आ गया लेजिस्लेचर में तो उसमें अगर कुछ लोगों ने खराबियां की है उसका आप तहकीकात कर लीजिए, लेकिन बाकी हमने पैसे भरे हैं, हमारी जमीन को हटाया ना जाए क्योंकि हमने इस पे स्ट्रक्चर्स बनाए, होटल बने हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी बनी है, लेकिन बिल्कुल सरकार ने साफ कर दिया। जी 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 शबीर, तफसील से इस पूरे मसले, जी जी लेकिन मनोज कौल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि उपायुक्तों को खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं और जो रोशनी एक्ट 2001 के तहत खास तौर पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे बड़े नाम भी मौजूद हैं जिनकी जमीन पर अब शिकंजा कसा जाएगा और उन्हें अटैच किया जाएगा, अतिक्रमण की कार्रवाई उन पर भी होगी। डीसीज हैं उनको तुरंत कार्रवाई करना पड़ेगी, वो एडीसीज को नोडल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं और उसके बाद डेली बेसिस पर उन्होंने रेस्पेक्टिव जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं उनको रिपोर्ट देना पड़ेगी। यानी डीसीज पर भी ये प्रेशर है कि वो जल्दी से जल्दी इस काम को मुकम्मल करें। 31 जनवरी इसकी फाइनल डेट रखी गई है कि तमाम अतिक्रमण जो है, चाहे वो रोशनी एक्ट के तहत लैंड दी गई हो या जो स्टेट लैंड है उस पर कब्जा किया गया हो, उसको एकदम से वो कब्जा हटाने की जरूरत है। तो इसमें कई बड़े लोग भी हैं जिन्होंने काफी जमीन हड़प ली है गैर कानूनी तौर पर, जो सरकारी लैंड है उस पर कब्जा किया गया है, कि हमने पहले भी देखा कि सरकार की तरफ से बाकायदा ये बताया गया है कि जो भी स्टेट लैंड है उस स्टेट लैंड को रिट्रीव किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ मिली भगत करके
बड़े बड़े जो हम ये कहें कि बड़े बड़े प्लॉट्स और बड़े बड़ी जगहों पर अच्छी प्राइम लोकेशंस पर इस जमीन को हड़प लिया है और अब सरकार ने ये मन बना लिया है कि चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो उस पर एक तरह की कार्रवाई होगी। जिसने भी गैर कानूनी कब्जा किया है, जिसने भी इलीगली स्टेट लैंड पर कब्जा किया हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा। और डीसीज को ये बताया गया है कि वो डेली बेसिस पर रिपोर्ट करें, तो डेली बेसिस पर रिपोर्ट करने का साफ मतलब ये है कि आप डीसीज को रोज ही इस पर कार्रवाई करनी होगी और इससे सरकार को ये पता चलेगा कि कौन से डीसी ने किस हद तक कार्रवाई की है। यानी सरकार की तरफ से एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि चाहे वो रोशनी के तहत जमीन ली गई हो या फिर स्टेट लैंड पे अवैध कब्जा किया गया हो, उसको जल्दी से जल्दी हटाने की जरूरत है। और हजारों कनाल जमीन जो है अब स्टेट के पास आ जाएगी, जिसके बाद सरकार ये फैसला करेगी कि उस लैंड का कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कैसे यूज करना है। तो साफ जाहिर है कि सरकार अब बिल्कुल सख्त रवैया अपनाए हुए है। जी जस्ट बिल्कुल मनोज, लेकिन यहाँ पर ये चीज अहम हो जाती है क्योंकि बहुत सी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं जिन्होंने रोशनी एक्ट के तहत जमीनों को अपने नाम किया है। ऐसे में अतिक्रमण की कार्रवाई की निगरानी डेली बेसिस पर होगी, तो क्या पहले से उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा या फिर किसी तरह का कोई नोटिस उन्हें दिया जाएगा? किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा? हाँ देखिए, जैसे सरकार ने नोटिफिकेशन दी है, डीसीज को ऑथराइज किया है, तो जाहिर है कि डीसीज जो है जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया हुआ है, जिनके कब्जे में या तो रोशनी एक्ट के तहत या फिर स्टेट लैंड पर उनका कब्जा है, उनको ये बताया जाएगा कि आपके पास ये जमीन है, आप इस पर कब्जा छोड़ दीजिए। तो लीगल जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो अपनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात जाएंगे और अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसको हटा देंगे। जो बिल्कुल उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपने जो कब्जा किया है आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से ये ऑर्डर है कि जो भी शख्स है जिसने भी स्टेट लैंड पे कब्जा किया हुआ है, इलीगली उसको अपने कब्जे में ले रखा है, उसको अब उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और ये कार्रवाई अब डेली बेसिस पे होगी और चाहे वो कितने ही बड़े लोग हों, जिस तरह के सरकार का ऑर्डर आया है उसे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने मन बना लिया है कि चाहे कितने से बड़ा आदमी हो, कितना ही इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिसने गलत काम किया है उसको उसकी सजा मिलेगी, यानी अगर उसने उस पर कब्जा किया है तो वो जमीन उसको छोड़ना पड़ेगी। जी जस्मीन, बिल्कुल, यानी सुनियोजित तरीके से ये अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। डीसीज को इसमें आदेश जारी किए हैं और डेली बेसिस पर रिपोर्ट भी तलब इसमें की जाएगी। शब्बीर, अब हम वापस आते हैं रोशनी एक्ट 2001 के वन पर, क्योंकि मैक्सिमम जमीन जिस पर अतिक्रमण हुआ है जम्मू कश्मीर में, ये रोशनी एक्ट के तहत ही आता है, जिस तरीके से आदेश जिसको लेकर जारी किए गए हैं। कितने मरला के आसपास ये जमीन होगी? कुछ ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जो इस अतिक्रमण की कार्रवाई के अंदर आएंगे, इस हवाले से कोई जानकारियां? जासमिन, ये हजारों कनाल जमीन है। मैंने आपको बताया जो कोर्ट में कहा गया, ये 25,000 करोड़ रुपए का इसको स्कैंडल तब करार दिया गया, तो आपको अंदाजा इससे होगा कि ये जमीन कितनी है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है मामला। मामला ये है कि लेजिस्लेचर ने एक एक्ट बनाया, उस एक्ट को एक पीआईएल हुई, पीआईएल के बाद उसको चैलेंज किया गया कि ये इलीगल है। जब एक्ट को डिवीजन बेंच ने अक्टूबर 2020 में पूरे एक्ट को नल एंड वॉइड करार दिया, नल एंड वॉइड करार देने के साथ साथ इसको सीबीआई को दे दिया कि इसकी आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। कुछ बड़े अफसर जो उस वक्त रिवेन्यू में थे, उनके खिलाफ कार्रवाई, बाकायदा चार्जशीट हो गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है, सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन इसमें मामला ये है कि जब आप एक्ट बनाते हैं, आपने कई लोगों से इसमें बड़े ट्रैक्ट्स जो हैं जमीन के, वो कई लोगों ने खरीदे हैं और उन्होंने इन कनाइवेंस विद जो अपने यहाँ पे रेवेन्यू के ऑफिशियल्स उस टाइम थे उनके साथ मिलके। लेकिन इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनके पास छोटे छोटे 10 मरले की, 8 मरले की, 9 मरले की जमीन है। जो हमें पता चला है, हालांकि ये जो सर्कुलर निकाला है इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन डीसीज को बताया ये गया है कि जो बड़ी मिकदार में जमीन है, यानी बड़े बड़े जमीन के जो टुकड़े जिन लोगों के पास हैं, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
यानी कार्रवाई उन लोगों से होगी जिन्होंने ज्यादा जमीन पे कब्जा जमाया है या जिन लोगों को ज्यादा जमीन दी गई है रोशनी एक्ट के तहत। तो बड़े जो आप बात कर रहे थे कि ऐसे लोग हैं जिनको बड़े 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 जमीन के टुकड़े दिए गए हैं, कुछ के पास तो 50 कनाल 40 कनाल तक 100 कनाल तक जमीन उस वक्त थी जिनको रोशनी एक्ट के तहत उन्होंने रेगुलराइज करवाया। तो कार्रवाई पहले उनके खिलाफ होगी, सर्कुलर में लिखा नहीं गया है लेकिन जो डीसी के क्योंकि इसमें कार्रवाई पहले शुरू हो चुकी है। शब्बीर, यानी कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सुनियोजित तरीके से ये कार्रवाई की जाएगी, यूटी में अतिक्रमण जिस तरीके से हुआ है उसके ऊपर अब बुलडोजर चलेगा लेकिन नोटिस पहले जारी किए जाएंगे, जवाब तलब किया जाएगा और उसके बाद ये कार्रवाई सुनियोजित तरीके से अंडर द डीसीज ऑर्डर ये होगी। शब्बीर और मनोज, आपने इस पूरे मसले पर जानकारी दी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास, जहां सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वो न्यूज 18 से खास बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार।